हेलो टू योर कैंसर। सो लेट्स सी कि आगे आने वाला जो आपका ईयर है 2025, साल 2025 की पांच ऐसी भविष्यवाणी जो 1000% आपके लिए सच होकर रहेगी। तो ये आखिर कैसी भविष्यवाणी है वो मैं आपको बताऊंगी। ये आपको किस तरीके से डिवाइनली गाइडेड कर रहा है या डिवाइनली ब्लेस्ड कर रहा है, आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स और सरप्राइजेस आने वाले हैं, ठीक है। 2025 में ऐसी पांच भविष्यवाणी मैं बता दूंगी जो आपके लाइफ को बदल देगी, जो आपको पूरी तरह गाइडेड कर देगी, ठीक है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, किस तरह के चेंजेस होंगे, सब पता चलेगा आपको, ठीक है। 2025 की रीडिंग हो रही है तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आई डी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जनरल लिंक मिल जाएगा। क्लिक करेंगे किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग दे सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो तो आप रीडिंग दे सकते हैं। इंस्टा आईडी पे क्लिक करेंगे पहुंच जाएंगे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे, फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहेगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। ओके, सबसे पहला यहाँ पे जो आपका कार्ड है वो है वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे हारमनी की एनर्जी है तो हारमनी लिखकर सभी लोग एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी बदल रही है, आप बदल रहे हो। देखिए, जैसे आप 2025 में इंटर करेंगे, छः महीने के अंदर आप मिलेंगे अपने सोलमेट से, अपने ट्रू पार्टनर से, जो आपके लिए कुछ भी रिस्क लेने को रेडी हो जाएंगे, जो आपसे बहुत ज़्यादा अमेजिंगली प्यार करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आप एक सोलमेट कनेक्शन में आ रहे हैं, सोलमेट जर्नी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सोलमेट जर्नी में आने वाले हो आप सभी लोग, और वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं। और देखिए, पहला कार्ड जो पहला इवेंट आपके लाइफ में होगा वही आपको बता रहा है कि आप एक बहुत अनकंडीशनल लव रिसीव करने वाले हो। तो पहला जो भविष्यवाणी है वो ये है कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल और हार्मोनियस रिलेशनशिप में आएंगे, और जो जो आपके एक्सपेक्टेशन है रिलेशनशिप को लेकर, सोलमेट को लेकर, वो पूरे होंगे, ठीक है। कैसा होगा रिश्ता मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो आपको मिलेगा तो पार्टनरशिप करते हुए, जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए, लेकिन फिर वो आपके प्यार में पड़ जाएगा, लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है। ये इंसान आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, किसी भी तरह का कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होगा, ना ही आपका, ना ही इनका कोई डिमांड होगा, ना कोई टॉक्सिक एक्सपेक्टेशन होगा। आपके पर्सन बहुत रियल इंसान होंगे और इनके बहुत सारे रियल एक्सपेक्टेशन होंगे आपसे, आप देख सकते हो खुद ही कितना ज़्यादा प्यार होगा। और देखिए, ये जो प्यार है ये कुछ लोगों का अरेंज मैरिज होकर भी हो सकता है, मतलब कुछ लोगों की अरेंज मैरिज फिक्स हो रही है और उनसे आपको प्यार मिल रहा है। तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत पॉजिटिवली, और आपको बहुत अप्रिशिएट भी करेगा, सिर्फ प्यार व्यार ही नहीं होगा बल्कि बहुत अप्रिशिएट भी करेगा, बहुत सपोर्ट भी करेगा वो इंसान या करेगी, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि आप सोल हैं और रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप है आपका, ठीक है। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट भी कोई भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग दे सकते हैं। और वीडियो आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारे वीडियो डाले, वो सब भी देखिए, डिटेल रीडिंग वीडियो है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम आपके लाइफ में कोई आ रहे हैं, और 666 एनर्जी लिखकर क्लेम कीजिए, क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम आने वाले हैं वो आपके सोलमेट है, और ये इंसान आपसे बहुत रिस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपके नीड्स का, आपकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि रिलेशनशिप इतना अमेजिंग होगा कि ये इंसान आपका कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, ये इंसान आपके लाइफ को मीनिंगफुल बनाएंगे, आपके साथ हुए कॉन्वर्सेशन को, मतलब आपसे जो बातें हो रही हैं उसमें पहली बात तो बहुत ओपननेस होगी, जो भी इनकी बातें होगी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अपना सब कुछ आपको बताएंगे, आप भी आप इनको अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब बताओगे। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि दोनों की लाइफ बहुत मीनिंगफुल होगी एक दूसरे के वजह से, ठीक है। ये पहला पॉइंट मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, और आप दोनों के बीच में जो बातें होगी, जो कॉन्वर्सेशन होगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल, बहुत ही अमेजिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक ऐसे रिश्ते में आने वाले हैं जिसमें ट्रस्ट होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, जिसमें ऑनेस्टी होगी, जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ठीक है। आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आप दोनों के बीच में ओपन एंड गुड कम्युनिकेशन होगा। उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात तो ये दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपको सिखाएंगे अपने गुस्से को कंट्रोल करना, क्योंकि जब आप इस पर्सन के पास होगे, इस पर्सन के साथ होगे, आप अपने सारे गुस्से को, सारी चीज़ों को भूल जाओगे। दूसरी बात, यहाँ पे आपके जो पर्सन है, कभी भी झगड़ा गलती से भी हो गया,
क्योंकि होगा और वो ज़रूरी है बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो जब होगा तो वो फेयर फाइटिंग होगा, ठीक है, मतलब फाइटिंग जो होगी आप दोनों के बीच में फेयर होगी। यहाँ पे सेकंड कार्ड आपको, मतलब सेकंड इवेंट ये भी बता रहा है कि देखिए रिश्ता तो आपका अच्छा होगा, तो आप ये तो फ्री होगा इस चीज़ से कि जिससे आपकी शादी होगी वो अच्छे इंसान होंगे, वो अच्छा फील करा रहे, सेफ फील करा रहे। लेकिन कुछ मामलों में घर परिवार का हो सकता है या दोस्तों का हो सकता है, जिसके वजह से कुछ आपका थोड़ा सा लॉस हो सकता है या तकलीफ़ हो सकती है। मैं सर दर्द की बात नहीं कर रही, बल्कि हर्ट एक की बात कर रही हूँ, ठीक है। कोई आपको धोखा दे सकता है या चोट दे सकता है, तो ये कोई कार्मिक पार्टनर, कोई पास्ट का पर्सन आपके लाइफ का हो सकता है, जो आपका भरोसा जीत कर फिर आपके लाइफ में आ जाए और आपको धोखा दे दे। तो सिंपली ये कार्ड जो है गाइडेंस के लिए है, और ये कार्ड आपको ये बता रहे हैं कि आपको धोखा से, हर्ट एक से, किसी तरह के लॉस से आपको बच के रहना है। और यूनिवर्स आपको बार बार बहुत सारे साइन देंगे कि ये इंसान बुरा है, ये सिचुएशन सही नहीं है, ये इंसान बुरा है, इससे दूर रहो, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन क्रिएट करने वाला भी कोई इंसान ही होगा, ठीक है। तो आपको उसी समय बहुत सारे साइन मिलेंगे, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप कनेक्टेड रहिए। जब कनेक्टेड रहेंगे तो रोज़ की रीडिंग देखोगे, गाइडेड रहोगे और ऐसे लोगों से बच के रहोगे। और अगर आपके लाइफ में कोई भी आ जाए और उसके बारे में जानना है, शक हो रहा है कि सही नहीं है, तो आप पर्सनलाइज रीडिंग ले लीजिए, सेशन बुक कर लीजिए जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में तो भी ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत अफोर्डेबल प्राइस रहते हैं, ठीक है। तो सिंपली सेकेंड इवेंट आपको ये बता रहा है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके वजह से कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक के लिए, 3 वीक के लिए, मतलब एक महीना से कम ही, थोड़ा सा आप डिप्रेशन में, परेशानियों में या एंजाइटी में रह सकते हैं। ये पूरे साल की मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना आपको और स्ट्रॉन्ग ही करेगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बच के रहिए। यहाँ पे देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, वाओ। 666 आपके लिए, 6 एंजेलिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को 333 666 दिख रहा है, अगर नहीं भी दिख रहा है तो यहाँ रीडिंग में आया ना, तो ये रीडिंग में आपको बता रहा है कि 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड 666 लिख के 333 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो बता रहा है ना, ये आपके विक्ट्री एंड सक्सेस को दिखा रहा है। एक चीज़ सबसे पहले ये बात जान लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं 2025 में, ठीक है, आपको लगेगा कि चीज़ें लॉस हो गई, चीज़ें मेरे लाइफ से चली गई। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि जो ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ से गई तो ये बहुत अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर ये नहीं जाता तो ये नहीं आता। मतलब कि आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिलेशनशिप मिलेगा, उसमें भी आपको विक्ट्री और सक्सेस मिलेगा, मैरिड लाइफ होगी, शादी होगी, तो वो भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा जॉब क्लियर होगा ना कि 10 घर, ठीक है, 10 लोग, पूरे सोसाइटी में सबको पता चल जाएगा कि आपने कोई बहुत बड़ी जॉब को हासिल किया है, क्लियर किया है एग्ज़ाम को, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जैसे 6 महीने आएंगे, 6 महीने के अंदर ही या 3 महीने के अंदर जो है आपको ये तीनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक अच्छा पार्टनर, ठीक है, विक्ट्री एंड सक्सेस, शादी बहुत धूमधाम से होना, अगर आप शादी करने के लायक हो गए और आप शादी करना चाहते हैं बहुत धूमधाम से अपने करंट पर्सन के साथ, या फिर अरेंज मैरिज ही करना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे आपकी शादी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और धूमधाम से होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ लिखा हुआ है आपकी किस्मत में, विक्ट्री एंड सक्सेस। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए हर्ट चक्र। अब देखिए हर्ट चक्र ये बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान आए जो आपका हर्ट या दिल तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन उससे आप बच जाएंगे। लेकिन बाकी सारे लोग जो होंगे वो कैसे होंगे? बाकी वो सारे लोग आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। देखिए यहाँ पे हर्ट चक्र के लिए कुछ अफर्मेशन कर लेने चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे हर्ट चक्र आपको ये बता रहा है कि आपका कोई ज़्यादा दिल तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, एक ही बार ऐसा होगा साल भर में, उसके बाद अलावा नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, देखिए हर्ट चक्र कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि आपके अंदर प्योरिटी डेवलप होगी, ब्यूटीफुल जो आप हैं वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, आई एम प्योर ब्यूटीफुल एंड रेडिएंट लाइट। ओके, आई एम प्योर ब्यूटीफुल एंड रेडिएंट लाइट। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। आई स्पीक माई ट्रूथ। आई एम वर्दी ऑफ लव। आई स्टैंड इन माई पर्सनल पावर। आपकी पर्सनल पावर की ग्रोथ हो रही है। आई लीव अ पैशनेट लाइफ। मैं एक पैशनेट लाइफ जी रही हूँ। आई एम सपोर्टेड। एंड पेशेंस, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा। जितना पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा आपका 2025 अच्छा होगा।
आपके पेशेंस का यूनिवर्स टेस्ट भी ले सकता है, आपके टेम्पटेशन का भी यूनिवर्स टेस्ट ले सकता है। इन सारे बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। जाते जाते एक दो और अफर्मेशन कीजिए, जैसे कि आई एम ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव अनकंडीशनली, माई हार्ट इज़ फिल्ड विथ कंपैशन, काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। पर्सनली ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए सभी लोग, और मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहें और आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएँ। सो बाय, टेक केयर।